हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई कीर्ति ब्लॉग, आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे और ठंडियों का मज़ा लेते होंगे, क्योंकि वापस जम्मू कश्मीर में खूब बर्फ़ गिर रहा है। यहाँ भी आज फॉग है, हल्का हल्का फॉग है। देखिए हल्का हल्का फॉग दिखता होगा, ठंडी है और ऐसा भी मेरा तबीयत तो ठीक है नहीं। चलिए, मेरा चाय बन गया है, चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, उसके बाद फिर क्या बनाना है वो बाद में दिखाएंगे। चाय पीते पीते बात करते हैं। चलिए, मेरे हस्बैंड जी तो चाय पी लिए, हम तो थोड़ा ठंडा करके पीते हैं। पीने लायक हो गया मेरा चाय। कल तो वो खा लिया था, घूघरे का चाट ले आया था, ये वो खा लिया था, पेट मेरा उसी में फुल हो गया था। लेकिन फिर रात को पराठा एक्स्ट्रा बच गया था, तो ये बोले तुम खा लो, तो हमने एक खा लिया था। अच्छा, बहुत टेस्टी बना था। हम मतलब कितने साल पहले बनाए थे और कल बनाए, तो वो भी तो किसी ने कल खाया नहीं। मेरा बेटा तो वही घूघरा खा के उसका हो गया, वो भी नहीं खाया। मेरे हस्बैंड के लिए हमने दो तीन पराठा बनाया था, जिसमें से उन्होंने दो ही खाया, तो बोले एक रात गरम गरम है तुम खा लो, तो हम खा लिए। आज बनाते हैं वापस, तो अभी हम उसके साथ में, कल तो हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दिए थे तो वो रखा है, और थोड़ा सा फ्रेश तो टिफ़िन में देना पड़ेगा ना, तो पराठा तो चलेगा, वो वाला बना के दे देंगे। बट सब्ज़ी में हम सोच रहे बैंगन आलू की सब्ज़ी दे दें, उसके साथ चटनी भी अच्छी लगेगी। लेकिन टमाटर की चटनी भी पूछ लेते हैं, टमाटर की चटनी बनाएंगे तो वही बना देते हैं, तो ज़्यादा तुल नहीं रहेगा ना, तो बैंगन आलू की सब्ज़ी बना देंगे और वो पराठा, छोटा छोटा पराठा बना देंगे मकुनी स्टाइल। चलिए चाय पी लें, चाय पी के उसके बाद ये पूछ के ही काटेंगे, या तो चटनी बनाएंगे गुड़ वाली चटनी, गुड़ वाला बेस्ट होता है टमाटर की चटनी, और पराठा रहेगा। मेरा भी आज लंच वही रहेगा, बेटा के लिए रोटी बना देंगे क्योंकि उसको उतना नहीं भाता है, उस मटर के नाम से दूर भागता है। कल नहीं खा, बोला मेरे लिए मत बनाना, वैसे वो खाया ही नहीं, पेट भर गया था। अभी देखते हैं आज उसको पूछ के बनाएंगे, एक एक तो चख ले, एक चखेगा अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो। चलिए हम चाय पिए, फिर मेरे हस्बैंड से पूछते हैं सब्जी बनाए कि चटनी बनाए उसके साथ, फिर वही करेंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए फ्रेंड, हस्बैंड को नाश्ता पानी करवा के टिफ़िन देके ऑफिस भेज दिया, अब मेरी बारी है, बेटे की बारी है। अभी तो हम फ़िलहाल आज स्टोर रूम करेंगे, कितने दिन से पेंडिंग 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 है, तो आज करेंगे। जो संडे सामान लाए थे ना, वो भी भरना है डब्बों में, थोड़ा बहुत लाए थे वो डब्बों में भरेंगे, और साथ ही साथ स्टोर रूम सफाई कर देंगे, उसके बाद फिर हम नहाने धोने जाएंगे। अभी तो हमने अमरुद खा लिया था, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम अपना बना के ही सब काम निपटा के अपना रोटी क्या नाम है, क्या पराठा बना रहे थे कल, मटर का पराठा वो बना के उसके बाद ही हम नहाने जाएंगे, भले लेट हो। अभी 11:30 हुआ है, कोई बात नहीं, पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या आलस आ जाता है ना मेरा। आज टचवुड थोड़ा रिलैक्स लग रहा है मेरे को, बॉडी में पेन और जो बुखार जैसा लग रहा था थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये सब निपटा लेंगे उसके बाद काम करेंगे। फिर मेरे को कल पापड़ लेने जाना था, अगर मेरा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो भाभी भी कहीं ना कहीं निकल जाती है, तो फ़ोन करके जाना पड़ेगा। चलिए निपटा है, बेटा नहा लिया है, उसको भी पूछते हैं दूध लेगा कि डायरेक्ट खाना खाएगा, तो दूध 10:30 बजे क्या दूध पिएगा, 11:30 बजे भी डायरेक्ट उसके लिए कुछ रोटी सब्जी खाएगा, मटर का पराठा तो नहीं खाएगा। चलिए हम दूसरा काम निपटाते हैं। चलिए मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं, आज दूसरे रूम का चादर चेंज कर दिए, कल मेरे रूम का चेंज किए थे, आज और दूसरे रूम का जहाँ मेरे हस्बैंड बेटा सोते हैं वो रूम का चादर चेंज कर दिए। कल यहाँ का चादर चेंज किए थे, यहाँ पे हमको धोना है, मिट्टी मिट्टी से काला काला हो जाएगा ना साइड में, उसके लिए हमको एक दिन एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा काम वाली आने के पहले।
एक तो कबूतर तो त्रास दे दिया, इतना मेरे को तंग कर रहा है ना, वो तो मिट्टी खोद के चले गए। चलिए आज अच्छे से खूब डस्टिंग कर दिए हैं, यहाँ का चादर चेंज किया। क्या कर रहा है, कपड़ा निकालो जल्दी। मेरा टग्गू नहीं, मेरे बाबू वहाँ बैठा है। भगवान जी का मंदिर तो हो गया है ये, इसमें ये टेबल में जो थोड़ा बहुत राशन है, ज़्यादा नहीं है। फिर हम इसको ढाक, यहाँ में मेरा अमरूद है तो ढाक देते कि फफूंदी आ जाती है ना। मिर्ची में भी डाल दिए थे, ऐसे कपड़ा डाल दिए थे। थोड़ा बहुत राशन है, नमक है, थोड़ा सा दाल लाए थे, वो सब रखना है। चलिए बेटा के लिए पराठा बना, ये मेरा ना हम चाय के साथ खाएंगे, तो हम ना इसमें दूध और पानी मिला के रखे हैं। चाय बना देते हैं, चलिए मेरा पराठा बना लेते हैं, मटर का पराठा। इनको टिफ़िन में दे दिए, हम उनको खाने को भी दे दिए, टिफ़िन भी दे दिए। मेरा चाय भी खोल गया। हाँ लो दूसरा चाकू दे रहे हैं। मेरा चश्मे का नट ढीला हो गया है, जैसे कि दिमाग का नट ढीला होता है, वो ठीक करेगा। लो ये चाकू, नाक में चू जाता है बार बार करने से, ऐसे ऐसे नाक में। चलो तुम ठीक करो, तुम्हारे लिए हम पराठा बनाए कि रोटी बनाए, क्या बनाए? हमको क्या बनाना, हमको बहुत काम है बेटा, आज ये सब सफेद समेटना है। माँ इतना दिन से पेंडिंग मेरा काम है, आज करेंगे कल करेंगे, आज तो कर ही देंगे। एनी डाउट आज क्लियर कर देंगे। ये हमको कांच साफ़ करवाना, मेरे काम वाली को बोलेंगे तो अच्छे से चढ़ के साफ़ कर दिया कर, महीना में एक बार ये वाला खिड़की का कांच, टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ हमको चढ़ने उतरने में डर लगता है, रिस्की है, पलंग वलंग में चढ़ के तो हम कर लेंगे, यहाँ डर लगता है, कुछ है नहीं। चलिए हम जल्दी जल्दी कर ले, फिर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड हम खा लेते हैं, भूख बहुत ज़बरदस्त लगा है, काम बहुत बाकी है, थोड़ा सा खा लें उसके बाद फिर काम करेंगे, उसके बाद आगे का दिखाएंगे। चलिए बेटा को खिला दिया, अब मेरा बारी। अब ये भाई साहब बैठे बैठे आराम से फ्राइम्स खा रहे हैं। चलिए हम यहाँ खाते हैं, मिलते हैं खाने के बाद, और हमको स्टोर रूम साफ़ करना है। चलिए मिलते हैं काम निपटाने के बाद। चलिए फ्रेंड्स जी, मेरा जो पेंडिंग वर्क था पिछले एक महीना से, स्टोर रूम का सफाई करना ऑलमोस्ट हो गया, करते करते 2:30 बज गया। मेरी बर्तन वाली काम करके बर्तन वर्तन धो के चली गई, क्योंकि हम सब कुछ क्लीन विन करके दे दिए थे उसको, और किचन विचन हम साफ़ कर लेते, खाली वो बर्तन धोने 2 बजे आ जाती है। अभी पूजा वाली बाकी है, आज लेट आई शायद। चलो कोई नहीं, मेरा उसके आने के पहले बहुत सारा काम निपट गया, दिखाते हैं आपको। देखिए ये सब डब्बे व्यवस्थित कर दिए नीचे सब, ये जूता वाला यहाँ रखना था क्योंकि इसमें सब नए जूते हैं, बाहर क्या चोरी होने का डर रहता, बाहर डेली यूज़ वाले रखे हैं, यहाँ पे इसको रख दिए हैं। ये डोरमेट है, सब धो के रखा हुआ, बस ऐसे रख दिए। ये सब यूज़ एंड थ्रो वाले जो प्लेट हैं वो हैं। चलो कोई नहीं, मतलब लगभग ये वाला हो गया, मेन जो हमको करना था वो हो गया, और सारा रूम का सब क्लीनिंग हो गया। यहाँ भी डस्टिंग वस्टिंग करके हमने सब सेट कर दिया था। अभी बस झाड़ू वाड़ू करेगी, डस्टिंग करके जो पैर वैर का गंदा निकला है, मैट वैट का, यहाँ भी सब हो गया। चलो हम चले नहाने, अपना ये सब ले जाना बेटा। चलिए मिलते हैं बाद में, फ्री होने के बाद, अभी नहाना बाकी है, नहा लें उसके बाद आगे का काम करते हैं। कपड़े भी सूख गए मेरे। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे यहाँ मास्टर शेफ उतरे हैं, जो अपना फेवरेट आइटम ही बनाते हैं कभी कभी। जैसे कि फेवरेट आइटम का नाम क्या है बताइए आप अपने जवान से। पास्ता, रेड सॉस पास्ता, पूरा बोलिए, मैक एंड चीज़, रेड सॉस पास्ता, जिसका साफ तैयारी मैंने किया है,
इसकी मम्मी ने, देखिए ये टमाटर ऐसे हमने बॉईल कर दिया था, उसमें दो मिर्ची बॉईल कर दिया था, अब उसको पेस्ट बना दिया। अब यहाँ पे लहसुन और प्याज को फ्राई कर रहा है, सबका मम्मी करके देती है, खाली ये लोग बनाते हैं, जैसे सेफ लोग होते हैं। ये पास्ता बॉईल कर दिए हैं, अभी आपको बनने के बाद पता चलेगा क्या टेस्ट है इसका। चलिए बेटा बना रहा है, बन जाने के बाद हम आपको इसका फीडबैक देंगे कैसा बना है। थोड़ा थोड़ा भूख हमको भी लग गया है। बढ़िया बनाना मास्टर शेफ, देखो इधर हंसता भी नहीं है। चलिए मिलते हैं जब ये बन जाएगा उसके बाद। देखिए कितना फाइन बना है, मेरे बेटे ने अपना रेसिपी यूज़ किया है। अब उसमें पास्ता डाल रहे हैं और ये मिला देगा और खाने के लिए रेडी। देख के ही यम्मी लग रहा है। आजकल के बच्चे रोटी सब्जी क्या बनाना जाने, पास्ता ही बना लेते हैं, लेकिन टचवुड मेरा बेटा सब बना लेता है। आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाता है, आटा रेडी रहेगा तो आटा टेढ़ा रोटी बना लेता है, उसको कोई ये नहीं है। ये है। चलिए इसका पास्ता रेडी, हम लोग खाएंगे रेड सॉस पास्ता, बहुत टेस्टी लग रहा है देख के, यमी। ऐसा नहीं है, सब कर लेता है मेरा बेटा, बस मूड होना चाहिए काम का। मूड होगा तो पूरे घर की सफाई, एक चीज़ इधर का उधर नहीं मिलेगा। अगर मूड नहीं हुआ तो जहाँ बैठा वहाँ फैलाएगा, जहाँ नहीं बैठा वहाँ फैलाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम ये कर ले तो फिर हम भी अपना खाना का तैयारी करेंगे। हम फ्रेंच बीन्स की सब्जी बनाएंगे तो उसको ब्लांच करना है मेरे को पानी में। टमाटर जैसे अभी टमाटर ब्लांच करके बनाया ना ग्रेवी, वैसे ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए। तो फ्रेंच बीन्स को भी ब्लांच कर देंगे तो क्या ना जल्दी पक जाएगा, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है। तो वो कर देंगे हटे चूल्हे से, फिर हम निश्चिंत होकर काम करेंगे। चलिए कोई नहीं, खाते हैं जब ये लेके आता है तब। कुछ और भी कहना था लेकिन दिमाग से स्किप कर गया, और जब उतर जाता है दिमाग से तो याद करने में हमको काफ़ी टाइम लगता है। जब ब्लॉग एंड हो जाता है उसके बाद याद आता है, अरे ये तो बोलना रही गया। चल कोई नहीं, चलिए टेस्टिंग करना मेरे को, लाइए मेरे को टेस्टिंग करा रहा है, आई लव इट। खाने में मज़ा, कोई ऐसी बना बना के दे मेरे को, दिखाओ मेरे को, चखाओ। नमक पास्ता डालने के बाद नमक कैसा है, वैसे मसाला में तो नमक बराबर था। बढ़िया बनाया, टेस्टी टेस्टी बनाया। इसको चखने के बाद भूख लग गई मेरे को तो, थोड़ा सा मेरे को भी दे देना। क्यों नहीं देगा, हम तैयारी किए तो हम ही को देगा ना। हाँ हम कह रहे थे, याद आया, बड़े बड़े होटलों में सेफ लोग के पास हेल्पर होते हैं ना, वैसे ही ये सेफ की हेल्पर सब तैयारी करके दे देंगे, तब भाई साहब बनाएंगे, उसके बाद हम भी खाएंगे। मैगी भी बहुत टेस्टी बनाता है मेरा बेटा, बहुत टेस्टी। एक दिन जब मैगी बनाएगा ना तो हम उसका रेसिपी आपको दिखाएंगे, वो किस तरह से बनाता है, बहुत ही यमी। उसके स्कूल के बाहर जो अंकल बनाते हैं ना, जब वो खाने जाता तो देखता है वो क्या क्या डालते हैं, कैसे डाल क्या बनाते हैं, तो वो सीख लेता है फिर आके बनाता है। सोच रहे हैं पार्ट टाइम बोलते हैं उसको, साइड में उसको मास्टर सेफ का कोर्स भी करा दें, चलेगा। चलिए खाते हैं तब मिलते हैं। देखिए पास्ता खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, और मेरा बेटा खा रहा है। हम ज़्यादा नहीं, हम थोड़े सा खाएंगे, पहले खाने के बाद मिलते हैं। चलिए मेरा डिनर का टाइम हो गया, अब हम खाने बैठे हैं। मेरा फंसी आलू की मसालेदार सब्जी,
मेरा ऑनियन, ग्रीन चिली ये बड़ी वाली जो तीखी नहीं होती है, ये है अमरूद की चटनी। बहुत टेस्टी बनाया है, हम फर्स्ट टाइम बनाए अपने लाइफ में, पता नहीं अच्छा लग रहा है। उसमें धनिया पुदीना सब डाले ना तो और टेस्टी लग रहा है, आंवला भी डाल देना चाहिए था। मेरा दो मटर का पराठा सवेरे बना के ज़्यादा रख दिए थे और एक सादा रोटी। चलिए हम ये खाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए फ्रेंड्स, अभी ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मेरा सब काम हो गया है। अभी बैठ के हम टीवी देख रहे थे तो वो बेटा से फ़ोन लेके एडिट करने के लिए मांगे हैं क्योंकि वो पढ़ रहा था फ़ोन में। तो चलिए ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और जो पहले से जुड़ चुके हैं वो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को लाइक करें। और चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, सी यू।